सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ इस टाइम की सबसे बड़ी लवर्स पॉइंट चंडीगढ़ की, जो कि है रोज़ गार्डन। ऑब्वियसली ये वैलेंटाइन वीक की वजह से, तो चलते हैं आज रोज़ गार्डन एक्सप्लोर करके आते हैं, देख के आते हैं कितनी रौनक है वहाँ पर। अपन तो भाई अकेला ही जाएगा यहाँ पर घूमने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं इस टाइम पर चंडीगढ़ का सबसे बड़ा लवर्स पॉइंट एक्सप्लोर करके आते हैं। आज जा रहा हूँ ये जो सेक्टर 17 में बना हुआ है अंडर पास, इसके थ्रू रोज़ गार्डन। वैसे रोज़ गार्डन की अपनी भी पार्किंग है, पर मैंने सोचा यहाँ से अंडर पास से होकर जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत शोज़ होते हैं, आर्टिस्ट बैठते हैं, स्केच आर्टिस्ट यहाँ पर। तो चलते हैं, अपन तो भाई अकेला ही आया यहाँ पर घूमने के लिए, पर असली मौज तो उनकी है जो अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। आज तो मौसम भी बढ़िया है, सही है। फाउंटेन वगैरह भी चल रहा होता है अंदर रोज़ गार्डन में, बहुत मस्त वाइब होती है। बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, उनको पता होता है हालांकि कि यहाँ के युवा क्या कर रहे होंगे वैलेंटाइन डे पर, आते हैं और सड़ते रहते हैं। हालांकि सब ने अपनी जवानी में यही सब कुछ करा होता है, सही बात है ना। देखो, चंडीगढ़ वालों को इतनी खुशी चाहिए होती है बस, जैसे ही अंडर पास बना यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए, सही है। बस वहाँ से घुसा, इस साइड से निकल गया सीधा रोज़ गार्डन। सो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं जाकिर खान रोज़ गार्डन। एक फीचर होना चाहिए वीडियो में खुशबू वाला, कि आप खुशबू ले सको जहाँ पर मैं हूँ। क्या मस्त खुशबू आ रही है यहाँ पर, तो गुलाब गुलाब की मज़ा ही आ गया। दूर दूर तक लोग ही लोग हैं, कपल्स ही कपल्स हैं, हर तरफ सब अपनी मस्ती कर रहे हैं। अपन तो वैसे ही घूमने आए, कर लें तो जो मस्ती कर रहे हैं भाई। आज तक मुझे ऐसा लगता है देख के कि इन गुलाबों पे कलर किया जाता है, पर ऐसा है नहीं। पर देखो क्या मस्त चीज़ है ना, कुदरत भी क्या मस्त चीज़ है। देखो सेम ही पौधे से लाइट पिंक, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ये झड़ जाते हैं। ऊपर वाला भी मेहरबान है भाई, ये कपल्स पे तो मस्त धूप निकल रखी है आज तो, बहुत सही है आज की धूप में। और अगर आप लोगों के ऐसे कुछ प्लान्स हैं कि आप अपनी महबूबा को यहीं से गुलाब तोड़ के दे देंगे, तो आपका महंगा पड़ेगा। गुलाब तोड़ने पे 500 रुपये फ़ाइन है, और हर जगह ये माली वाली बैठे होते हैं, चुपके से देख रहे होते हैं। ये लोग जानबूझ के चाहते हैं कि आप तोड़ो और आपका 500 रुपये का फ़ाइन सट करके काट देंगे। बाहर से 50-60 रुपये मिल जाएगा गुलाब। जैसे यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ कपल्स ही दिख रहे हैं ना। अगर इस टाइम अगर आप जाओगे दिल्ली बुद्धा गार्डन जैसी जगहों पे, जो वहाँ की लवर स्पॉट है, वहाँ पर आपको कपल्स के बीच में पुलिस वाले भी घूमते दिखेंगे। कहीं भी आपने अश्लील काम करा तो आपको धर दबोच किया जाएगा, बेइज्जती औरों की वीडियो भी बना लेते हैं। वहाँ तो बजरंग दल वाले भी घूमते हैं भाई, रिस्की है वो, और ऊपर लेवल का काम करते हैं, पकड़ लेंगे, ब्याह करा देंगे और आपके घर ले जाएंगे। पहले ब्याह कराएंगे फिर घर लेके जाएंगे। चलो जी, आशीर्वाद दो अपने बच्चों को, स्कैम हो जाए और पता लगे आदमी के घर पे और पहले ही एक लुगाई बैठी है उसकी, बाहर तो बाहर वाली थी। पर जिसको शादी करानी है सबसे मस्त चीज़ है लो बजट मैरिज, सब बजरंग दल वाले करेंगे। तुम जाके वोल्टेज का काम करो, पढ़ के तुम्हारा ब्याह करा देंगे, मस्त। यार मैं तो उल्टे सीधे आइडियाज़ ऐसे मेरे दिमाग में आते रहते हैं, कुछ ऐसा पुट्ठा सीधा काम मत कर लेना और कहीं फंस जाओ और मुझे बाद में गालियाँ दो तुम भाई। मेरे साथ देखा जा रहा है यार, हर जगह कपल जी कपल्स, कपल जी कपल, और मैं और मेरे साथ मेरा फोन है। आप लोग के लिए व्लॉग डाल रहा हूँ, लाइक कमेंट कर दिया करो यार। इतनी मेहनत से दिल पर पत्थर रख कर तुम लोगों के लिए मैं आया, ज़्यादातर तो आज अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे होंगे, पर मैं तुम्हारे लिए घूम रहा हूँ। देख रहे हो जिंदगी मेरी, कर दोगे लाइक सब्सक्राइब तो फ़ायदा हो जाएगा मेरा। वैसे अब थोड़ी सी ज्ञान की बात भी कर लूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा जो रोज़ गार्डन है वो यही है चंडीगढ़ में, जाकिर खान रोज़ गार्डन, जो कि फैला हुआ है 1,21,400 स्क्वायर मीटर्स में। और यहाँ पर तकरीबन 50,000 गुलाब के पौधे हैं, और इसमें 1,406 तरह की डिफरेंट स्पीशीज़ है
और गुलाब की देख रहे हो 1406 तरह की, तो डिफरेंट तरह के गुलाब है और 50,000 बुशीज हैं। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा, घूमते घूमते थक जाओगे। पर अगर आप मेनली यहाँ कुछ खाना चाहते हो या मतलब पेट पूजा के नाते से भी आए हो तो रोज़ गार्डन के मेन गेट से आना, सारा से मत आना, बहुत चल के वहाँ जाना पड़ेगा आपको। और सबसे मतलब बेस्ट टाइम आना चाहते हैं यहाँ पर तो इंटरनेट पे चेक कर लेना रोज़ फेस्टिवल कब है, तब आके घूमना। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, शोज़ लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, फेस्टिवल की तरह प्रॉपर लगता है। रोड क्रॉस करके सारा कार्निवल लगता है।